पहले मैं हॉरिजॉन्टल पे कंसेंट्रेट कर रही हूँ, देन वी विल गो फॉर द वर्टिकल वन। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। इलिप्स के केस में वी आर हैविंग टू फोकस, F1 एंड F2। एक जो है वो पॉजिटिव साइड पे होता है, द अदर वन इज ऑन द नेगेटिव साइड। एक्सिस इसमें जो है नो डाउट कि दो बन रही है। फर्स्ट जो है दिस इज द माइनर एक्सिस, जिसकी ये वाली लेंथ जो है कम होती है यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस वन इज द मेजर एक्सिस। अगर हम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात कर रही है तो ये डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस है। ये आपका सेंटर ऑफ द एलिप्स कहलाता है। अब इसमें जो आता है कि इलिप्स फॉर्म कैसे होता है, इलिप्स जो है वो कैसे फॉर्म होता है, कि अगर हम मान लो कोई भी एक सेट ऑफ पॉइंट ले लेते हैं x, y, तो ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स का जो सम होगा दैट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। यानी कि वो सभी पॉइंट्स जिनका इन दो पॉइंट्स से जो डिस्टेंस है उसका सम कांस्टेंट आ रहा है, उन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन जो है वो क्या फॉर्म करती है, दैट फॉर्म्स एंड इलिप्स। तो PF1 प्लस PF2 दैट शुड बी अ कांस्टेंट। मान लो ये मैंने एक पॉइंट P1 ले लिया, तो अब इस केस में P1F1 प्लस P1F2 वो भी इसी कांस्टेंट है, यानी कि ये सब डिस्टेंसेस जो है वो आपके सेम आएंगे। सेम वे में इफ आई हैव टेकन सम अदर पॉइंट, लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट P3 ले लिया, तो अगेन P3F1 प्लस P3F2 विल बी इक्वल टू दिस। तो मेन इसमें क्या आपने ध्यान रखना है कि मान लो कि मैंने दो इन पॉइंट्स पे नेल फिक्स कर दी, इन दोनों पॉइंट्स को एक थर्ड नेल से टाई अप कर दिया थ्रेड्स के साथ, और फिर जब मैं उनको मूव करूंगी तो जो पाथ ट्रावर्स होगा आपका, जो पाथ ये ट्रेवल करेगा, दैट विल बी एन एलिप्स। तो ये आपका सेट ऑफ कलेक्शन हो गया ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज, हुज सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये हो गया आपका एलिप्स की डेफिनेशन हो गई। देन एलिप्स में वी आर हैविंग टू फोकस, एक माइनर एक्सिस एक मेजर एक्सिस। दिस इज द सेंटर, जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड द वर्टिसेस, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। दो वर्टिसेस होते हैं इसमें ऑब्वियसली, दो फोकस दो वर्टिसेस। देन अगर हम इनकी बात करें तो जो सेंटर है हमारा इसके कोऑर्डिनेट्स दैट लाइज ऑन द ओरिजिन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जब हम लेके चलते हैं तो दैट इज x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। अब एक चीज का आप यहाँ ध्यान रखना है कि कब हमें पता लगेगा कि हमारा एलिप्स हॉरिजेंटल है, कब हमें पता लगेगा हमारा एलिप्स वर्टिकल है। अगर x के नीचे वाली जो वैल्यू है, यानी कि इफ a इज ग्रेटर देन b, देन जो हमारा एलिप्स बनेगा दैट विल बी हॉरिजेंटल। एक्स के नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो एलिप्स हॉरिजेंटल बनेगा, अगर वाई के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो एलिप्स आपका वर्टिकल बनेगा। तो दिस इज अ हॉरिजेंटल एलिप्स। और इधर से अगर मुझे इस तरीके से कंडीशन गिवन है तो दिस इज अ वर्टिकल एलिप्स। दोनों केसेस में, बच्चे म्यूट कर लो अपने आप को, दोनों केसेस में जो है हमारा ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी होगी। मैं यहाँ पे मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया है ताकि आप जो टेबल लर्न करो आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब एक चीज इसमें और आ जाती है कि इसमें जो है हम डिस्टेंस लेके चलते हैं, फोकस का इस पॉइंट से डिस्टेंस लेके चलते हैं, और सेम वे में हम लेके चलते हैं इस पॉइंट का जो है डिस्टेंस फ्रॉम द, आप कह सकते हो कि रेशियो हम इसमें मतलब लेके चल रहे हैं, एक्सेंट्रिसिटी एक वर्ड आता है इसमें। तो दैट इज गिवन बाय सी अपॉन ए। सी जो है दैट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, यहाँ पे दिस विल बी -c, 0, दिस विल बी
सी कॉमा जी। सी जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आ जाएंगे, ए जो है दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस। तो अब आप क्या कह सकते हो यहाँ पे कि ई जो है एक्सेंट्रिसिटी जो है दैट इज द रेशियो, किस किस की रेशियो है जो आपका यहाँ पे उस सेंटर से कह सकते हो आप पॉइंट का डिस्टेंस जो है फ्रॉम द फोकस एज वेल एज फ्रॉम द वर्टेक्स, यानी कि ये डिस्टेंस सी है और ये वाला डिस्टेंस जो है वो ए है, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज ई। एंड नाउ यू कैन सी, इसको मैं यहाँ पे दोबारा से बना के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये डिस्टेंस दिस वन इज सी और ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज ए। एक्सेंट्रिसिटी क्या है हमारी, दैट इज सी अपॉन ए। नाउ यू कैन सी सी की जो हमारी वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन दिस डिस्टेंस ए। ऊपर वाली वैल्यू हमारी छोटी है, नीचे वाली वैल्यू हमारी बड़ी है। इट मीन्स ई की जो मेरी वैल्यू आएगी दैट विल ऑलवेज बी लेस देन वन। इट मीन्स की जो एक्सेंट्रिसिटी है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन वन। एंड वेन एवर द एक्सेंट्रिसिटी इज लेस देन वन देन द जो हमारी ये फिगर देन द कॉनिक फॉर्म जो है दैट वन इज एन इलिप्स। पैराबोला के केस में ई और एक्सेंट्रिसिटी जो है वो हमारी वन आती है। पैराबोला के केस में जो हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट्स थे वो हम ए जीरो लेके चलते थे, तो यहाँ वाले जो ए जीरो के कोऑर्डिनेट्स हैं जब ये यू कैन से कि हम इनको मूव करते हैं जब ये कॉइंसाइड हो जाते हैं, एक्सेंट्रिसिटी जब वन हो जाती है तो दैट इज अ केस ऑफ पैराबोला। बट वेन एक्सेंट्रिसिटी इज लेस देन वन उस केस में हमारा क्या बनता है, इलिप्स। और वी कैन से फॉर एन इलिप्स एक्सेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन वन। एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू वन मतलब पैराबोला, एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन अगर हो जाएगी देन हाइपरबोला विल बी फॉर्म। सर्कल के केस में एक्सेंट्रिसिटी जीरो यानी कि देयर इज नो एक्सेंट्रिसिटी। तो पैराबोला के केस में ई वन, इलिप्स के केस में ई लेस देन वन, हाइपरबोला के केस में ई इज ग्रेटर देन वन। अब बाकी सेम वही चीजें हैं जो हमने पहले की हुई है कि अगर हम सेंटर से फोकस से एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ड्रॉ करते हैं, इलिप्स के केस में जब हम एक्सिस की बात कर रहे हैं मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस का कोई रोल नहीं है इसमें। एक्सिस की जब हम बात करेंगे तो मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं हम। तो जब हम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं पासिंग थ्रू द फोकस, तो अगेन यहाँ पे दैट वन इज द लेटस रेक्टम। जैसे पैराबोला के केस में था लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, सब वही चीजें हैं। अगर मैं इसको एज एक पैराबोला लेके चलूँ तो ये डायरेक्ट्रिक्स, इसको पैराबोला लेके चलूँ तो ये डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि देयर आर टू डायरेक्ट्रिसेस इन केस ऑफ एलिप्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इसमें चेंज हो जाती है, दैट इज गिवन बाई ए बाई ई नेगेटिव एंड ए बाई ई पॉजिटिव। उसमें हम सिर्फ ए लेके चल रहे थे क्योंकि ई हमारा वन था, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई ई। फोकस के कोऑर्डिनेट्स सी जीरो एंड माइनस सी जीरो, यानी कि सी क्या है यहाँ पे, ए ई। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आप कह सकते हो, ये मैं अभी पूरा टेबल बनवा देती हूँ पहले समझ लो। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए प्लस माइनस ए कॉमा जीरो भी हो सकते हैं या प्लस माइनस सी कॉमा जीरो भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप दोगे वो प्लस माइनस के फॉर्म में दोगे क्योंकि दो फोकस दो वर्टिसेस बन रहे हैं, तो प्लस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। जब हमारा ये हॉरिजेंटल होगा तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो बना दोगे, जब ये वर्टिकल होगा तो उस टाइम पे उल्टा हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आप जीरो बना दोगे वर्टिकल के केस में। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ जीरो कॉमा वाली फॉर्म बन जाएगी इसमें। इक्वेशन भी रादर मैंने उसकी उसी फॉर्म में करवा दी है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि उसमें जो है आपकी इक्वेशन में बी एक्स के नीचे आ जाएगा और ए वाई के नीचे आ जाएगा। बस ये ध्यान रखो अगर इलिप्स आपका हॉरिजॉन्टल है तो एक्स स्क्वेयर के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, अगर इलिप्स आपका वर्टिकल है तो वाई स्क्वेयर के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी। वर्टिकल के केस में इलिप्स विल बी ऑफ दिस फॉर्म, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। अगेन ये सेंटर हो जाएगा। अब इस केस में देखो ये वाली एक्सिस बड़ी है, ये वाली लेंथ कम है, तो
तो ये मेजर एक्सिस हो जाएगा, दिस विल बी द माइनर एक्सिस। सेम वे में दिस वन इज सेंटर एफ वन, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया एफ वन एंड एफ टू। अब जीरो कॉमा के फॉर्म में लेना है क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, तो जीरो कॉमा सी एंड जीरो कॉमा प्लस माइनस सी। तो इसके केस में ये प्लस माइनस सी कॉमा जीरो या प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो थे। जब मैं वर्टिकल के केस में लिखूंगी तो दैट विल बी जीरो कॉमा प्लस माइनस सी और जीरो कॉमा प्लस माइनस ए ई। सेम वे में ये लैटिस रेक्टम बनेगी, सेम वे में यहाँ पे इधर डायरेक्ट्रिसेस बनेंगे, सब कुछ उसी तरीके से चलेगा। सिर्फ जो वे ऑफ राइटिंग है वहां पे वाई इक्वल टू आ जाएगा क्योंकि लाइन एक्स के पैरेलल है, तो दैट इज ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। बाकी सब चीजें जो है वो सेम रहेंगी। नाउ लेट अस मेक अ टेबल फॉर दिस। इसके लिए अब जो टेबल मैं लिख पा रही हूँ दैट यू विल डू, दोनों के लिए सेम लेके चल रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल के लिए भी और वर्टिकल के लिए भी इकट्ठा जैसे हमने उसमें बनाया था, इन द सेम वे वी विल डू ओवर हियर। ऊपर इक्वेशंस इनकी अकॉर्डिंगली जैसे पहले थी उसमें चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे सेम चीज आएगी आपकी। जस्ट अ मोमेंट, ये हमारा है वर्टिकल एलिप्स एंड दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल। इमेजेस यू नो कि इनकी किस तरीके से हमारी बनती है। सेंटर पहले ले लो दोनों का जीरो जीरो, दोनों केसेस में इट इज जीरो जीरो। देन वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा प्लस माइनस ए। अब यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान देना है कि जो हम यहाँ ये लेके चल रहे हैं अकॉर्डिंगली इसकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाती है। कि अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग लेके चल रहे हो तो दैट विल बी समथिंग डिफरेंट, वाई एक्सिस के अलोंग लेके चल रहे हो तो दैट विल बी डिफरेंट। वर्टेक्स हो गया प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, देन फोकस हम लेके चलेंगे दैट विल बी प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, यहाँ पे जीरो कॉमा प्लस माइनस सी। सी जो है दैट इज इक्वल टू ए ई, सी इज ए ई या एक्सेंट्रिसिटी, क्योंकि आपने सी बाई ए से निकाली थी, तो दोनों तरीके से आप लेके चल सकते हो। देन वी आर हैविंग द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस। दोनों केसेस में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है दैट विल बी 2a एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस विल बी 2b। फिर हमने लेके चलना है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। ये लेंथ की है हमने, अब हमने क्या करना है इक्वेशंस करनी है। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, क्योंकि ये वाली जो हमारी एक्सिस होती है ये हमारी एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, तो
एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमें पता है वाई इक्वल टू जीरो, इस वाले में वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो वाई एक्सिस की इक्वेशन हमें पता है दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस दोनों चेंज हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यहाँ पे वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस। अब रह गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस देखो, जब इस केस में ले रहे हो तो दैट इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू, और दोनों लेके चलने हैं अगेन, क्योंकि एक ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड पे बन रही है और एक नेगेटिव साइड पे बन रही है, और यहाँ पे वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज गिवन बाय 2b² / a। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है ये 4a नहीं है, दिस इज 2b² / a। फिर हमारे पास आते हैं एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। जब हम लेटस रेक्टम के एंड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो ट्वाइस ऑफ b² / a है, तो इट मींस जब हम उसकी एक साइड की बात करेंगे तो एक साइड में जो लेंथ बनेगी अबव ओरिजिन या बिलो ओरिजिन या टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन या टू द राइट ऑफ द ओरिजिन दैट विल बी हाफ ऑफ दिस, यानी कि b² / a। तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम जो है दैट विल बी गिवन बाय, अब यहाँ पे ध्यान देना है जो ये वाली लेके चल रहे हैं इसमें y कोऑर्डिनेट आपका b² / a बनेगा, बाकी जो इस साइड पे है दैट विल बी c ओनली, तो प्लस माइनस c, b² / a, और इसमें क्या होगा उल्टा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये c, b² / a, क्योंकि दोनों साइड पे बन रहे हैं तो दोनों प्लस माइनस में लेके चल रहे हैं, दोनों के साथ प्लस माइनस का साइन आपने लगाना है। सो दिस वाज़ द टेबल जो आपको, जिसके बेसिस पे यू कैन से कि यू कैन सॉल्व आउट द क्वेश्चन। अब एक चीज जो है इसमें और हमने करनी है दैट इज द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यू कैन से बी एंड ए, ए बी और सी के बीच में हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप हमने निकालना है अगर, तो b² जो है दैट इज इक्वल टू a² - c², और यू कैन से दैट a² इज इक्वल टू b² + c². ए आपको पता है दैट इज ग्रेटर देन बी, ए बी से क्योंकि बड़ा है तो दोनों का जब आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी गिवन बाय a² इज इक्वल टू b² + c². c इज यू नो दैट इज ए ई, तो अगर आपको यू कैन से कि अगर हमें ए और बी की वैल्यू गिवन है, एक्सेंट्रिसिटी निकालना है, मान लो सी हमें नहीं गिवन है तो दैट विल बी गिवन बाय दिस 1 / 1 - b² / a² आएगा, क्योंकि अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा, ए बड़ा है क्योंकि बी से, तो ई इज इक्वल टू √1 - b² / a² अगर मुझे ए बी सी में से कोई दो वैल्यूज गिवन है थर्ड हम निकाल सकते हैं, अगर ए और बी गिवन है एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है तो वी विल फाइंड आउट द एक्सेंट्रिसिटी बाय दिस वे। सो दिस वाज द टेबल, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। यहां तक इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट तो यू कैन आस्क। अदरवाइज मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 11.3, हमें गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस वर्टेक्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एक्सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द गिवन इलिप्स। इलिप्स हमें गिवन है, इलिप्स कौन सी फॉर्म का है वो चेक करोगे कि एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है या वाई के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, अगर एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, वाई के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो इट विल बी अ वर्टिकल इलिप्स,
बड़े वाली वैल्यू को आपने ए स्क्वायर लेना है, छोटे वाली वैल्यू को आपने बी स्क्वायर लेना है, एंड अकॉर्डिंगली आपके पास ए बी आ जाएगा, ए और बी आपके पास आ गया तो यू कैन फाइंड आउट सी ए। सो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। सबसे पहला काम ए स्क्वायर बी स्क्वायर चेक करो क्या बड़ा है, जो बड़ा है उसको ए ले लो, जो छोटा है उसको बी ले लो। तो एक्स स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 16। अब एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अब जो जो पूछा है उन्होंने अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज आप निकालते जाओ, टेबल आपके पास है, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। सबसे पहले हमसे उन्होंने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, तो यहाँ से ए और बी मेरे पास है, सी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 2√5। अब सी आपके पास 2√5 आ गया तो एक्सेंट्रिसिटी भी हम निकाल सकते हैं, दैट इज गिवन बाय सी बाय ए। ए है यहाँ से 6 और बी है आपका 4, तो दैट इज 2√5 अपॉन 6, तो दैट इज √5/3। एक्सेंट्रिसिटी आ गई √5/3। अब जो जो पूछा है वो निकाल लो। यू आर टू फाइंड आउट द फोकस, सी प्लस माइनस सी कॉमा 0, देन यू आर टू फाइंड आउट द वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स विल बी प्लस माइनस ए कॉमा 0, देन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, उसके बाद उन्होंने पूछा है आपसे माइनर एक्सिस 2b हो जाएगी, देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एक्सेंट्रिसिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a। नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। प्लस माइनस सी कॉमा 0 है तो दैट इज प्लस माइनस 2√5/0, √20 भी लिख सकते हो आप इसको। देन वर्टेक्स इज प्लस माइनस ए कॉमा 0, ए आपके पास 6 है तो प्लस माइनस 6/0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ट्वाइस ऑफ ए तो ट्वाइस ऑफ 6 यानी कि 12, दिस इज ट्वाइस ऑफ 4 दैट इज 8, देन 2 × b² अपॉन ए, तो दिस इज 16/3। एक्सेंट्रिसिटी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, और क्योंकि ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यूनिट्स आगे वर्ड जरूर लिख लेना। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फर्स्ट में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट इफ देयर इज एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1। हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पता था, इक्वेशन से मिल गया था, सी स्क्वायर हमने निकाल लिया, उसके बाद सब कुछ हमने एज इट इज टेबल, वही चीज यू कैन सी कि अगर आपको टेबल लर्न है तो यू कैन इजीली डू द क्वेश्चन, अगर टेबल नहीं आता तो क्वेश्चंस करने मुश्किल हो जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान दो,
कि जो मुझे यहाँ गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट, जो ए स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू है, एक्स स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू है वो छोटी है, वाई स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। तो इट मीन्स बड़े वाली वैल्यू को मैं ए स्क्वायर ले लूँ, छोटे वाले वैल्यू को मैं बी स्क्वायर ले लूँ, लेकिन क्योंकि वाई के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो दिस विल बी अ वर्टिकल इलिप्स। तो 0 कॉमा वाली फॉर्म में आपका सारा आंसर आएगा। सी स्क्वायर निकाल लो। अब ई आ जाएगा सी बाय ए, ए विल बी 5, बी विल बी 2। अब वैल्यूज पुट करो। फोकस आपको निकालना है, दैट इज गिवन बाय प्लस माइनस 0 कॉमा प्लस माइनस सी। सी √21 है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स 0 कॉमा प्लस माइनस √21 आ जाएंगे। देन हमें निकालना है वर्टेक्स। वर्टेक्स यू नो इज 0 कॉमा प्लस माइनस ए, क्योंकि ये आपका वर्टिकल एलिप्स है तो 0 कॉमा वाली फॉर्म में आएगा। तो दिस विल बी 0 कॉमा प्लस माइनस 5। देन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, तो दैट इज 2 × 5 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट विल बी 2b 4 आ गई। उसके बाद एक्सेंट्रिसिटी वी हैव कैलकुलेटेड, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b² बाय ए, दिस इज 2 × 4 बाय ए इज 5, 8/5। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। बाकी थर्ड टू सिक्स्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ बिल्कुल सेम है, दैट यू विल डू योर सेल्फ। सबसे पहला काम, जो बड़ी वाली वैल्यू है वो ए ले लो, ए स्क्वायर ले लो, स्क्वायर्स की फॉर्म में गिवन होगा। जो छोटे वाली वैल्यू है वो बी स्क्वायर ले लो, फिर चेक करो वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है, एंड अकॉर्डिंगली जो आपका टेबल है उसको आप फॉलो करोगे। अब क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है हमारे पास 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब हमें इस तरीके से इक्वेशन गिवन है तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी कि राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू 1। अब राइट हैंड साइड यहाँ पे हमें 144 गिवन है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 144। तो जब आप इसको 144 से डिवाइड करोगे, लेट मी कंप्लीट दिस, तो 36/144, 4/144, तो दिस इज इक्वल टू 144/144। राइट हैंड साइड 1 बन गई, इनकी कटिंग्स कर दो, x² / 4 प्लस y² / 36 इज इक्वल टू 1। अब x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1, तो दिस इज एन एलिप्स जिसमें y के नीचे वाली टर्म बड़ी है, तो वर्टिकल एलिप्स आ जाएगा। सेम वे में यू विल प्रोसीड, a² और b² आपके पास है, सी स्क्वायर निकालोगे, एक्सेंट्रिसिटी फोकस वर्टिसेस जो जो पूछा है सेम थिंग्स यू विल फाइंड आउट। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 9 दैट यू आर टू डू इन योर होमवर्क पार्ट। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं 10 to 20 दैट वी विल डिस्कस टुमारो, और कल ही हम इसमें जो इसकी एक्स्ट्रा टाइप बनती है जैसे पैराबोला में थे, द सेम वी विल डू। सो इफ एनी डाउट इज देयर फ्रॉम टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क अदर।